सिक्किम अपनी खूबसूरत स्नो पीक्स के लिए तो फेमस है ही, लेकिन सिक्किम के हरे भरे घने जंगल भी कई दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए अनुकूल आवास प्रदान करते हैं। जानवरों के इस साम्राज्य में स्नो लेपर्ड, लाल पांडा, हिमालयन थार, हिमालयन याक, लेपर्ड कैट और कई तरीके की फेजेंट की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनमें से कुछ तो आपको रोड पर चलते हुए भी दिख जाएंगे और कुछ को देखने के लिए आपको सिक्किम के जू जाना पड़ेगा। सिक्किम के जंगलों में हमें ये पी फाउल भी देखने को मिला, जिसे आप पीकॉक या मोर के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो दिखने में ये नॉर्मल पीकॉक जैसा ही है, जो भारत के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ के पीकॉक का फेदर थोड़ा हैवी होता है। यह है हॉर्न्ड आउल या सींग वाला उल्लू। इसके सिर पर सींग के आकार के पर होते हैं, इसलिए इसे हॉर्न्ड आउल कहा जाता है। ये उल्लू आपको सिर्फ हिमालय के जंगलों में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिक्किम के जंगलों में आपको फेजेंट यानी तीतर फैमिली की बहुत ही खूबसूरत और रेयर बर्ड्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे गोल्डन फेजेंट, सिल्वर फेजेंट, वाइट और ब्लैक फेजेंट। सिक्किम जू में हमें ये हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर भी देखने को मिला। इतने बड़े साइज का गिद्ध हमने पहले कभी नहीं देखा था। इसका विंग स्पैन 3 मीटर और इसका वजन 10 किलो तक होता है। गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम जाते हुए मंगन डिस्ट्रिक्ट में हमें ये पोलैंड चाइना पिग देखने को मिला। पिगी बैंक की तरह दिखने वाला ये पिग आज तक हमने सिर्फ कार्टून्स में ही देखा था। हिमालयन गोरल पूरे हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। मांस और औषधीय उपयोग के लिए इसका अवैध रूप से शिकार किया जाता है, जिससे गोरल का अस्तित्व खतरे में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे विलुप्त होते जीवों की रेड लिस्ट में रखा है। स्नो लेपर्ड भी लेपर्ड की बहुत दुर्लभ प्रजाति है, जो हिमालय के बर्फीले इलाकों में सी लेवल से 3,350 से 6,700 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इनकी संख्या बाघों से भी कम है। पूरी दुनिया में अब करीब 6,000 स्नो लेपर्ड ही बचे हैं। IUCN ने इसे भी अपनी रेड लिस्ट में रखा है।
23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। रेड पांडा हिमालय का सबसे खूबसूरत और सिक्किम का स्टेट एनिमल। सिक्किम आने से पहले हमने इसे अपने बचपन में जंगल बुक में देखा था मोंगली के साथ। लाल पांडा की आबादी भी दुनिया में 10,000 से कम रह गई है। हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट इस लाल पांडा को देखने गैंगटॉक और दार्जिलिंग जू आते हैं। कॉमन लेपर्ड को तो अधिकांश लोगों ने भारत के नेशनल पार्क्स में पहले भी देखा होगा, लेकिन सिक्किम जू में हमें नेचर के इस वाइल्ड एनिमल को नेचर्स कॉल के दौरान शूट करने का मौका मिला। हिमालयन थार जंगली बकरे की तरह होता है। अब इसकी सिर्फ 3 ही प्रजातियां बची हैं। हिमालय की जंगली पहाड़ियों और पहाड़ी ढलानों में कोई भी आसानी से हिमालयन थार को देख सकता है। पाम सिविट जो कि हिमालय का एक रेयर एनिमल है, जो यहाँ के पेड़ों पर रहता है और मुख्य रूप से शाकाहारी होता है। दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी भी इस सिविट की पॉटी से बनाई जाती है और इस कॉफ़ी की कीमत करीब $1,300 पर किलोग्राम होती है। याक को सिक्किम में हर जगह बहुत आसानी से देखा जा सकता है। सिक्किम आकर आप याक राइड का आनंद भी ले सकते हैं। याक के फर और दूध के लिए यहाँ काफ़ी लोग याक को पालते भी हैं। याक के दूध से बने प्रोडक्ट्स टूरिस्ट के बीच बहुत फेमस हैं। लेपर्ड कैट साइज़ में तो नॉर्मल घरेलू बिल्ली की तरह ही होती है, लेकिन इस पर लेपर्ड की तरह धब्बे होते हैं, इसलिए इसे लेपर्ड कैट का नाम दिया गया है। सिक्किम जू से वापस आते हुए हमें ये लाल चंदन का पेड़ भी देखने को मिला। इंटरनेशनल मार्केट में लाल चंदन के 1 टन की कीमत 20 से 30 लाख के बीच होती है।
तो आपको हिमालयन वाइल्ड लाइफ का ये सफ़र कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।